सस्टेन इंटरोगेशन जब किया गया, डीप क्वेश्चनिंग की गई, तब लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मेरे साथ लड़की थी और मैंने उसको मर्डर किया। लड़के ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को कट करके और जगह जगह पर डिस्पोज ऑफ किया। आफ्ताब और श्रद्धा के मामले में क्या बोले शिहाब भाई? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आफ्ताब नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की एक लड़की का मर्डर कर दिया है और उसके शरीर के 35 टुकड़े करके फेंक दिए हैं। ये मामला दिल्ली का है। आइए जानते हैं इस हत्या के बारे में और इस मामले में शिहाब भाई का क्या कहना है। आफ्ताब पुनवाला जो कि मुंबई के रहने वाले और श्रद्धा भी मुंबई के रहने वाली थी। आफ्ताब 28 वर्ष की है। श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी और आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट किया है। वो शेफ का काम किया करते थे। श्रद्धा और आफ्ताब एक डेटिंग ऐप बंबल पर मिले थे और दोनों ने एक दूसरे से उसी पर बात करना शुरू किया था। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उनके इस रिश्ते के बारे में उनके घर वालों को पता चल गया और उनके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जब उनके घर वाले नहीं माने तो वो दोनों दिल्ली आ गए और वहीं आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अब कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था। साथ रहने के कुछ समय बाद दोनों में लड़ाइयां होने लगी। माना जा रहा है कि श्रद्धा चाहती थी कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आफ्ताब श्रद्धा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा होता था और आफ्ताब श्रद्धा पर कई बार हाथ भी उठा लिया करता था, जिस वजह से श्रद्धा उन्हें छोड़ने की बात किया करती थी। इसके बाद शिहाब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करता था और उसे कैसे भी मना लेता था। जब दोनों की लड़ाइयां बढ़ने लगी तो दोनों साथ में घूमने का फैसला लिया कि दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों फिर से लड़ने लगे। आफ्ताब ने कुछ ऐसा कर दिया जो श्रद्धा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 18 मई की रात को दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। आफ्ताब ने श्रद्धा का गला पकड़ा और उसकी हत्या कर दी, और उसने उसकी हत्या बहुत ही बेरहमी से कर दी। उस शख्स की हत्या कर दी जो उससे बहुत प्यार करती थी। उसने न केवल उसकी हत्या करी लेकिन उसके शरीर के 35 टुकड़े भी कर दिए। श्रद्धा के दोस्तों ने उसे बहुत कॉल किए लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। श्रद्धा का फोन बंद हो चुका था। उसके दोस्तों ने जब देखा कि उसका फोन लगातार 2 महीने से बंद आ रहा है तो उन्होंने श्रद्धा के पिता को उसके बारे में जानकारी दी और फिर उसके पिता समझ गए कि कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने फिर जाकर अपनी बेटी को ढूंढने की रिपोर्ट करवाई। फिर दिल्ली की पुलिस ने अपनी जांच करना शुरू कर दी और आफ्ताब से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले तो आफ्ताब इनकार करता रहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ करने के बाद उसने सच बोला कि उसने ही श्रद्धा को मारा है। उसने सिर्फ इंग्लिश में ही पुलिस वालों से बात करी। आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की लाश को फ्रिज में रख दिया था। उसने बताया कि उसने गूगल से सर्च करके लाश के टुकड़े किए थे। आफ्ताब ने एक सीरीज भी देखी थी जिसे देखकर उसने ये सारी प्लानिंग की थी, ये चीजें करी थी। और आफ्ताब घर में रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती लाकर रखता था। उसे पता था कि कुछ दिनों में घर में बदबू आने लगेगी। आफ्ताब रात से जाता था और रोज एक टुकड़ा जंगल में फेंक कर आता था। उसने गूगल से निशान साफ करने की जो ये प्रोसेस था ये भी सीख कर रखा था। और माना तो ये भी जा रहा है कि श्रद्धा की मौत के कुछ दिन बाद ही वो दूसरी लड़की को डेट करने लगा था। अभी पुलिस ने आफ्ताब का फोन ले लिया है और श्रद्धा का वो फोन ढूंढ रहे हैं। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। अब यहाँ पर श्रद्धा के जो शव के 13 टुकड़े मिल चुके हैं और आफ्ताब ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि किसी हिंदू लड़की को इस्लाम धर्म में शादी करनी है तो उसे इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ता है। अब शिहाब भाई जो कि हज यात्रा पैदल करने के लिए निकले हैं, जो आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं, वो अपनी इस यात्रा को सफल करना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया का हिस्सा पार कर लिया है, अब उन्हें पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान का वीजा न होने की वजह से वो पंजाब में ही रुके हुए हैं और उन्हें वहां रुके हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। वो अपने YouTube चैनल पर लोगों की समस्याओं को दर्शाते हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं। अब जब शिहाब भाई से इस मामले में पूछा गया तब उन्होंने बोला कि जो भी आफ्ताब ने किया है वो बहुत गलत है। कोई भी रिलीजन यानी कि धर्म हिंसा को सपोर्ट नहीं करता और हम भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करेंगे। आफ्ताब ने सभी को शर्मसार कर दिया है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा पाप किसी की हत्या करना होता है। श्रद्धा तो बेगुनाह थी, उसने उसके साथ जो भी किया बहुत गलत किया था। उन्होंने बोला है कि आफ्ताब को इस गुनाह के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और आफ्ताब किसी भी माफी के लायक नहीं है। आफ्ताब ने न सिर्फ उसको मारा है बल्कि उसके शव के टुकड़े भी किए हैं। आजकल के युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें हर एक सिचुएशन को समझना चाहिए। छोटी चीजों पर इतने बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए, चाहे झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए और ये हक किसी के पास नहीं है कि कोई किसी की हत्या कर सके। आफ्ताब ने किसी की जान ली और वो भी बिना किसी गलती के। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो उसे समझना चाहिए था। अल्लाह के घर में सबका हिसाब होता है, जो गुनाह करता है उसको सजा मिलती है। श्रद्धा को न्याय जरूर मिलेगा और हमें लड़कियों को ऐसे जुर्मों से
बचाना होगा। कब तक हमारे देश की महिलाएं ये अत्याचार सहती रहेगी? औरतों पर मर्द अत्याचार नहीं कर सकते, वो उनको नहीं मार सकते, और जो भी ऐसा गलत काम करता है अल्लाह उन्हें बहुत बड़ी सजा देता है। अगर आप किसी को सताओगे तो आप भी परेशान होंगे। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आफ्ताब को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि श्रद्धा की जान चली गई। हमें अपने माँ बाप की बात सुन लेनी चाहिए। अगर वो कुछ चीज हमें समझाते हैं तो वो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। आफ्ताब ने अपनी जिंदगी खराब कर दी है और श्रद्धा के माता पिता से उनकी बेटी को छीन लिया है। अगर सही समय पर श्रद्धा आफ्ताब को समझ जाती तो आज ये दिन उसे नहीं देखना पड़ता। श्रद्धा ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जिससे वो इतना प्यार करती थी वही इंसान उसे इतना बेरहमी से मार डालेगा, जिसके लिए उसने अपने माता पिता तक को भी छोड़ दिया। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि सच जल्दी से जल्दी सबके सामने आ जाए और श्रद्धा को न्याय मिल सके, और शहाब भाई की पैदल हज यात्रा भी जल्द से जल्द शुरू हो जाए, उन्हें पाकिस्तान का वीजा जल्दी से मिल जाए। हम सब दोनों के लिए दुआ करेंगे। हमारा देश श्रद्धा के साथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।